तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये कोई फिल्म की तस्वीरें नहीं बल्कि पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में आई बाढ़ की तस्वीरें हैं। ये हकीकत बयां कर रही है कि बिहार सरकार इस बार भी हर तरह से फेल हो चुकी है, चाहे कोरोना की मार हो या फिर बाढ़ का कहर, क्योंकि दोनों में बर्बादी सिर्फ जनता की ही हो रही है। आपको बता दें कि बाढ़ का पानी आ जाने से ग्रामीण जनता को कई तरह की परेशानी झेलना पड़ रहा है। आवागमन भी पूरी तरह ठप हो चुका है। वहाँ के लोग अपना घर बार छोड़ ऊंची जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं। बाढ़ के कहर को झेल रहे वहाँ के लोगों ने कहा कि नदी में बांध लाग गई तो समस्या दूर हो जाए, ऐसे घर में पानी डूब गई बा, हमनी के दहात ऐसा है तो देखते बानी लेकर भागत ऐसे ऊपर जाते। पानी डूब गई बा कल परसों से, खाना नहीं खेल दो टाइम से तीन टाइम हो गई। ये हैरानी बा जे खाए में हमनी के तबाह बानी जाए, बाढ़ आवा तो हमी के दहात फिर तन जा, नदी में बन लगा दहल जा जो हमनी के कुशलम हो जा। वहीं दूसरी तरफ गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए डीएम कुंदन कुमार ने वहां के बांधों का निरीक्षण किया तथा एनडीआरएफ और एसटीआरएफ की टीम को निचले इलाकों में वहां के लोगों को बाढ़ से जागरूक करने का निर्देश दिया। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने का भी आदेश दिया। डीएम कुंदन कुमार ने लोगों को भरोसा दिलाया कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद की जाएगी। गंडक का जो कैचमेंट एरिया है उस एरिया में पूरे नेपाल की साइड में काफी भारी बारिश हो रही है और उसके कारण जो डिस्चार्ज काफी किया गया है नारायण घाट से और उसका इम्पैक्ट फिर गंडक बराज जो है वहाँ से भी डिस्चार्ज पानी का 4 से 5 लाख क्यूसेक होने की संभावना है। तो इस कारण से सभी को अलर्ट किया गया है, माइकिंग की गई है लगातार और पूरे का पूरा प्रशासन यहाँ पे अलर्ट है। सब पुलिस प्रशासन के सारे लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं। उसके साथ ही जो तटबंधों के अंदर लोग हैं या निचले स्थानों पर कहीं पे हैं उन सब लोगों को भी इवैक्यूएट करके जो ऊंचे स्थानों पे जो चिन्हित ऊंचे आश्रय स्थल हैं वहाँ पे ले जाया जा रहा है उनको और कम्युनिटी किचन वगैरह प्रारंभ कराया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों को एनडीआरएफ की भी टीम आ चुकी है, एक एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे ऑलरेडी कैंप कर रही है और एक एनडीआरएफ की टीम आज मॉर्निंग में भी पहुँची है। पश्चिमी चंपारण ब्यूरो के साथ अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, एटीएन लाइव इंडिया।